हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एसएस पॉइंट कोचिंग सेंटर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और हम हाई स्कूल की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर के दो लेक्चर को कवर अप कर चुके हैं, जिसमें कि हमने रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार को पढ़ा। उसके बाद है ना, हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है ना। अभी लास्ट लेक्चर में हम उसके प्रकार को पढ़ कर आ रहे हैं, है ना, कितने टाइप की रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की, है ना। तो ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, इन सबको हम कवर अप करेंगे और आपको एकदम सारे डाउट को क्लियर करेंगे। सर, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, उसमें जो भी डिफरेंस होता है वो सब बताएंगे, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, है ना, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के, ठीक है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ऑक्सीकरण के बारे में बताना, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। देखिए, ऑक्सीकरण देखिए, दरअसल ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं। तो हम ऑक्सीकरण को उपचयन कह सकते हैं और अपचयन तो आपका अपचयन है, ठीक है। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कह सकते हैं, ठीक ना। ये तो रही बात ऑक्सीकरण को और क्या कहते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं और हम ऑक्सीकरण को उपचयन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आपको पढ़ना है ऑक्सीकरण, तो ध्यान से देखिएगा। हम इसको थोड़ा सा डिफरेंस निकाल करके बताएंगे तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, बिकॉज डिफरेंस में आपको कुछ कॉमन चीज़ें भी समझ में आएंगी। हाँ, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ तो आप समझ जाएंगे, ठीक ना। थोड़ा सा मैं इसको एक बार लिख लूँ, है ना। ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसकी बेसिक सबसे पहली डिफिनेशन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ली गई है, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से संबंधित है, जैसे कि सबसे पहले बताया गया है ऑक्सीकरण के लिए कि ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, ठीक है, टेढ़ा, हाइड्रोजन का ह्रास होना, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी अभिक्रिया में जब आप देखते हैं कि वहाँ पर किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या ह्रास होने का मतलब ये है कि वहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है कि जो ऑक्सीकरण होता है ना, वो विद्युत ऋणी तत्व होता है। विद्युत ऋणी क्या है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, बस समझ में आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। और हाइड्रोजन विद्युत धनी तत्व होता है, ठीक ना, हाइड्रोजन विद्युत धनी तत्व होता है। अगर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, तो हम एक बात और कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन विद्युत ऋणी तत्व है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें पता है ऑक्सीजन विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए अगर विद्युत ऋणी तत्व भी जुड़ जाए, है ना, विद्युत ऋणी तत्व जुड़ जाए, विद्युत ऋणी तत्व अगर जुड़े, है ना, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, या अब हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन क्या है, विद्युत धनी है। कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ग्रहण भी करता है इन दैट अलग अलग केसेस में, बट इसका मेन फंडा क्या है, फंडामेंटल इसका क्या है कि सर ये बच्चों ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब
तो विद्युत, अब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण कहला रहा है, ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन तो जुड़ रहा है तब तो है ही है ऑक्सीकरण, अगर कोई विद्युत ऋणी तत्व भी जुड़ता है तो वो भी ऑक्सीकरण ही कहलाता है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना या विद्युत धनी तत्व का बाहर होना, विद्युत धनी तत्व का बाहर होना या ह्रास होना, ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, है ना। विद्युत धनी तत्व का ह्रास होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ये दो बातें थी आपकी ऑक्सीकरण से, ठीक है ना। तीसरी बात एक और आती है ऑक्सीकरण से, जो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं इनका एग्जांपल लेता हूँ, और फिर मैंने कई बार दो लेक्चरों में भी ये कहा था आपसे कि सर एग्जांपल से अच्छा समझ में आता है ना, हम इसका एग्जांपल भी लेंगे जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा होगा, ये विद्युत धनी तत्व का ह्रास हो रहा होगा, ऐसा मैं सारे एग्जांपल लेकर के आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तीसरा इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉन संकल्पना, इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉन संकल्पना। अब इलेक्ट्रॉन संकल्पना क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना, किसी चीज़ को लेना, है ना, हम अपचयन के रूप में देख सकते हैं, ठीक है ना, अपचयित करना यानी ले लेना। हाँ, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन संकल्पना में ये बताया गया है कि यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है ना, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वहाँ पर उस तत्व का ऑक्सीकरण हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है या उपचयन हो जाता है। और अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तत्व अणु या आयन, मतलब तत्व भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि आयन भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। कहेंगे सर आयन तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ही चुका है या त्याग चुका है, अब कैसे करेगा, हो सकता है। जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ तो आपको शायद क्लियरिटी आए, समझ में ये बात आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि ये Fe3+ है, अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो ये Fe2+ बन गया, ये तो आयन ही है ना, ये आयन था और इसने देखिए इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण कर लिया, तो जो 3+ था वो 2+ में आ गया। तो आयन हो सकता है, अणु हो सकता है और तत्व हो सकता है, मतलब एटम हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं या त्याग सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन। अगर उसने त्यागा है तो वो ऑक्सीकरण, अगर उसने ग्रहण किया है तो वो अपचयन कहलाता है। बात समझ में आ गई है ना। तो तीसरी जो इसकी डिफिनेशन आती है इलेक्ट्रॉन संकल्पना की, वो ये है, इलेक्ट्रॉन, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ जिससे मैंने बोला है, है ना, जैसे कि किसी तत्व, किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा, आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक, मतलब एक भी त्याग सकता है और एक या एक से अधिक भी त्याग सकता है। तो हम लिख सकते हैं सिंपल फंडा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, है ना, वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या होना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। आप इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही चीज़ है, ओके बच्चों, ऑक्सीकरण कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों डिफिनेशन ऑक्सीकरण की समझ में आई होगी, ठीक है ना। देखिए आपको करना क्या है, ऑक्सीकरण या उपचयन को याद कर लेना है, ठीक है ना, इन तीनों को एकदम अच्छे से याद कर लेना है और जस्ट इसका अपोजिट कर देना है और आपकी अपचयन की डिफिनेशन तैयार हो जाएगी। इतना सिंपल है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। दरअसल होता क्या है कि आप एक याद करते हैं फिर दूसरा याद करते हो और फिर भूल ही जाते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना होता है अपचयन,
या उपचयन होता है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन है या उपचयन है। एक तो नाम भी अच्छा है, अपचयन उपचयन, तो कन्फ्यूज़न होता है। तो आप क्या करिए कि आप इन तीनों को ही याद कर लीजिए अच्छे से, कि इन तीनों डिफिनेशन से हमारी इसकी डिफिनेशन तैयार होती है ऑक्सीकरण और उपचयन की, और फिर इसका जस्ट अपोजिट करने की कोशिश कीजिए, तब आपको यहाँ पर कभी भूलेगा नहीं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। ये तीनों हो गई हमारी ऑक्सीकरण या उपचयन की डिफिनेशन। ठीक है ना, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हम लाइन से जैसे जैसे यहाँ पर हमने बताया है उसका एग्जांपल हम लिखते जाते हैं और आप देखिए। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमने बताया ऑक्सीजन का जुड़ना, हमने क्या बताया ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। तो ऑक्सीजन को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक ना, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ करके ऑक्सीडेशन करा रहा है या नहीं। ठीक ना, ध्यान दीजिए, एग्जांपल ये आपका बेसिक एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल होता है ना, आप कई बार इसे देख चुके हैं, है ना, कई बार देख चुके हैं। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, देखा है एग्जांपल, कार्बन है ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है कार्बन बर्न होता है, ये भी जानते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, गौर से इन दोनों को देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न किया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पर इसका क्या हुआ ऑक्सीकरण, इसी का तो हुआ, क्योंकि यहाँ पर कौन जुड़ा ऑक्सीजन इससे आकर जुड़ा, आप समझ पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से आकर जुड़ गया तो इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है ना, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है ऑक्सीकरण का एग्जांपल। और एकदम सेम फंडा यहाँ पर है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका ऑक्सीजन का जुड़ने वाला एग्जांपल, है ना, मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो। ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के निकलने की। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हमको एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन निकल रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा, तो वो भी मेरे पास एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका H2O, ये है आपका Cl, सॉरी ये है आपका HCl और ये है आपका O2, जस्ट फॉर रिएक्शन ये, और ये बना आपका H2O, यहाँ पर लेना पड़ेगा मुझे, इसको मैं संतुलित करके बताता हूँ ना आपको, ये हुआ आपका 2H2O और ये हुआ आपका Cl2 क्लोरीन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ HCl से देखिए हाइड्रोजन निकल करके ऑक्सीजन में जुड़ा, इसको मैं एक और तरीके से ले सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, कह सकता हूँ देखिए ऑक्सीजन भी तो जा करके जुड़ ही रहा है, बट हम क्या बता रहे हैं हाइड्रोजन का निकलना ह्रास होना। तो आप ध्यान दीजिए हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है निकल रहा है HCl में से, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है बताइए ना, कमेंट कीजिए ये क्या हो रहा है, HCl H2O कमेंट करिएगा, है ना, तो आप बता देंगे क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑक्सीकरण और अपचयन का फंडा समझ में आया होगा। ऑक्सीकरण मैंने अभी समझाया है, अपचयन की बात तो मैंने की ही नहीं है, उसकी भी बात मैं करूँगा, पर मैं इसलिए पहले ऑक्सीकरण को पूरी तरीके से समझा देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपचयन जस्ट इसका अपोजिट होता है, और अगर मैं आपको ऑक्सीकरण समझा दिया आपको ऑक्सीकरण आ गया तो अपचयन भी आपको आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बस इसको देखते जाइएगा गौर से। ठीक है, तो देखिए ये ऑक्सीकरण हो गया इसका, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया निकल गया ऑक्सीकरण हो गया। इसकी बात कर लेते हैं कि विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना या विद्युत धनी तत्व का निकलना। ये मैं विद्युत धनी विद्युत ऋणी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फंडा तो जान जाते हैं, और फिर आपसे अगर इस तरह से चीज़ें ला करके पूछ ली जाए तो आप ये सोचेंगे कि सर हमने तो ऑक्सीजन
और हाइड्रोजन का ही फंडा पढ़ा था आपने, तो यही पढ़ा है, तो ये क्या है सर, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण या है ना ऑक्सीकरण हो रहा है, अभी तो मैं ऑक्सीकरण की बात कर रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है, विद्युत ऋणी मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव, और उसका क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता हो है ना, और ऋण आयन बनाता हो इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो ऑक्सीजन भी ऋण आयन बनाता है, इसलिए इसको विद्युत ऋणी तत्व कहते हैं। जबकि विद्युत धनी तत्व क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं विद्युत ऋणी तत्व कैसे जुड़ता है। ये देखिए, ये H2 है और ये F2 है और ये HF बन गया। तो ये फ्लोरीन क्या है, ये फ्लोरीन जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व है ना बच्चों, समझ में आया, ये विद्युत ऋणी तत्व है फ्लोरीन, और ये जा करके हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, मतलब ये ऑक्सीकरण करा रहा है इसका, आप समझने के प्रयास कीजिएगा, ये इसका ऑक्सीकरण करा रहा है ना। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी आती है कि ये इसका अपचयन भी करा रहा है, मतलब एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है, पर अभी हम ऑक्सीकरण पे हैं, ठहर जाइए, ऑक्सीकरण पे ही रहिए, अपचयन पे हम बढ़ेंगे। ये यहाँ पर इसका क्या करा रहा है, ऑक्सीकरण विद्युत ऋणी तत्व जा करके जुड़ रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी, कैसे यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, बात समझ में आ गई। तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, ऐसे ही विद्युत धनी तत्व का ही अगर निकलता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब किसी परमाणु या अणु से आयन का है ना, किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैं इसको मिटा करके आपको एग्जाम्पल लिख करके देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब आपका हम थर्ड जो हमने आपको डिफिनेशन दी थी उस पर कुछ एग्जांपल बताते हैं, और मैंने एक एग्जांपल भी बताया था। पहले तो मैं ऐसे अर्ध इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया लिखता हूँ, उसको अर्ध इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो आपको आधी अभिक्रिया ही दिखा रहा हूँ, है ना। कई ऐसी अभिक्रियाएँ हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे ये होता है आयरन Fe3+, दो मिनट, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है, ठीक है ना। ये Fe2+ है, क्या है, Fe2+ है, और अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो Fe3+ बन गया। तो यहाँ पर इस आयन ने, देखिए आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है, यहाँ पर इस आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, यही तो ऑक्सीकरण है, यही तो ऑक्सीकरण है। और भी एग्जांपल है, ये H2 है, ये H2 है, इसने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम ने, यानी हम यहाँ पर तो कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल ने अपने दोनों, क्योंकि इनके पास दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बने हुए हैं। आपको पता है बॉन्ड कैसे बनता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है, दो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है। अब वो शेयर किस तरह से होता है, ये तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है एटम के, कि वो कैसा शेयर कराता है ना, कोवेलेंटली होता है, आयनिक होता है, या कोऑर्डिनेशन में होता है, या ना उपसंयोजी होता है ना, वो अलग डिपेंड करता है उसके नेचर पर। बट यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए हुए हैं। तो अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है आयन में चेंज हुआ, और इसने दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं आपको मैंने दो एग्जांपल दिखाएं, वो क्या है, अणु या आयन से या इन सब से इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग होता है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गई, मतलब ऑक्सीकरण समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अब हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं इसी से लेकर के, रिएक्शन टाइप में, ठीक है ना। आप किसे रिएक्शन में कैसे पहचानेंगे, उसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो जाता है देखने में, उसमें तो कहीं आपको ये ऑक्सीजन ये वाला फंडा ही नहीं दिखता है। बट मैं इसको समझाता हूँ, आप देखिए, ये है आपका स्टेनस क्लोराइड, इसको बोलते हैं स्टेनस, वो भी मैं समझाता हूँ क्यों स्टेनस बोलते हैं, क्या होता है, मतलब क्या इसका नाम स्टेनस ही क्यों है। ये है स्टेनस क्लोराइड और ये है FeCl3, फेरिक क्लोराइड। देखिए, ये फेरस आयन था, क्या था, फेरस आयन, में इसका नाम नहीं दिया, आपको जान लेना होगा, मतलब जान जाइए ये, है ना।
देखिए जब टू प्लस आयन होता है तो उसे फेरस बोलते हैं, ठीक है, और जब थ्री प्लस आयन हो जाता है तो उसे फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिक आयन। ओके, ये जानते रहिए आप लोग, है ना। ये आपका फेरस आयन है और ये आपका फेरिक आयन है। उसी तरह से ये स्टेनस दो है ना, दो SN टू प्लस। अब कहेंगे दो कैसे है सर, जरा समझाइए। तो क्लोरीन की संयोजकता होती है एक, यानी एक इलेक्ट्रॉन को वो ले सकता है। तो स्टेनिक यानी जो आपका ये टिन था उसने कितना दिया है, दो इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो दो प्लस चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब दो प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये स्टेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेनस हो जाएगा। तो ये स्टेनस क्लोराइड है और ये थ्री प्लस है। देखिए तीन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ये थ्री प्लस है, तो ये फेरिक क्लोराइड है। और जब इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ तो तीन आना चाहिए, चार क्यों आया? उसमें SN4 प्लस को हम स्टेनिक बोलते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका स्टेनस था, यहाँ से स्टेनिक बना, और ये आपका फेरस था और ये आपका फेरिक था और ये आपका फेरस बना, हाँ। अब यहाँ पर ये ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है ये मैं आपको शो करता हूँ, ठीक ना, दिखाता हूँ किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ। थोड़ा सा अपचयन की भी बात हम यहाँ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, आपको समझ जाएंगे अब आप लोग, क्योंकि ऑक्सीकरण तो आपको आ ही गया है, तो जस्ट उसका अपोजिट ही तो होता है अपचयन। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये बना और इसको हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। पहले संतुलित, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रायोरिटी क्या है, संतुलन करना उसका। तो देखिए यहाँ पर दो चार छः है, तो हम क्या करें, यहाँ अगर हम दो से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ पर भी दो से करा दें, तो तीन दूनी छः, छः दो आठ, चार, और यहाँ देखिए चार आठ, तो ये हो गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पर SN, अब आप हमको बताइएगा, मतलब आप ही बता दीजिएगा कि अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। ये बेसिक डिफिनेशन जो हमने बताई उससे देख करके आप बताएंगे हमें कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा ये SnCl2 है, यहाँ पर SN2+ है, मैं इसकी अर्ध इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया लिखता हूँ, बहुत गौर से समझिएगा। मैं इसको अर्ध इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया मैं क्यों कह रहा हूँ, जब इसको ऐसे लिखा जाता है ना तो ये अर्ध इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब सिर्फ इसके आयन्स को लेकर के, इतने को पूरे को नहीं लेना है, एक है ना, एक मॉलिक्यूल को लेकर के उसके आयन्स को लेकर के इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया जब लिखते हैं तो वो अर्ध इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया कहलाती है, है ना, आयनों से। तो ध्यान दीजिए हो क्या रहा है यहाँ पर, ये है देखिए यहाँ पर SnCl2 था, SnCl4 बन गया। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर प्लस टू था, अब वहाँ चार इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, यहाँ दो त्याग रहा था, यहाँ चार त्याग रहा है। तो यहाँ पर क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। बहुत गौर से समझिएगा, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, है ना। और इस केस में क्या है, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, थ्री प्लस था, और यहाँ पर क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और टू प्लस बन गया। इलेक्ट्रॉन को जब ले लेगा, मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको लाइफ रियल लाइफ में देखिए, है ना, कि जब आपने किसी से कर्ज लिया है, सपोज़ कीजिए आपने किसी को कर्ज दिया है, 300 रुपये दिए हैं, तीन इलेक्ट्रॉन दिया है, समझ रहे हैं, आपको क्या किया उसने, 100 रुपये वापस कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया। जब 300 रुपये दिए थे तो 300 का कर्जा था, 3+ का कर्जा था, जब एक इलेक्ट्रॉन वापस आया, 100 रुपये वापस आया, तो 200 रुपये आपको चाहिए ना, 200 रुपये तो चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन तो आपको मिल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया, ये फिर 2+ बन गया। अब तो 200 रुपये चाहिए ना, अब तो उससे 300 मांगो, ये लाओ हमारा 300 रुपये दो, अरे काहे देगा वो, अब तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसके पास 2+ नहीं बचेगा, और इसने दो इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया। देखिए चार क्लोरीन आ गए ना, तब उसको दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इसके पास 4+ आ जाएगा। तो अब हमको आप देख करके बताइएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके कमेंट करिएगा, बताइएगा कि यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमें यही लग रहा है ना कि इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। देखिए इस अभिक्रिया में ये क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, जस्ट अपोजिट। मैंने आपसे बताया कि ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट अपचयन होता है ना, तो ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट क्या है, अपचयन है। कितनी सरल सी बात है, ये अपचयन हो रहा है, तो उसकी बात तो हम अभी कर ही लेंगे। अब तो करना क्या, अब तो आपको आ गया अपचयन, है ना, है ना, समझ पा रहे हैं, अपचयन जस्ट इसका अपोजिट है। मैं बताता हूँ आपको, बता भी दूंगा
बट मुझे उम्मीद है कि आपको अब चैन भी आ गया होगा। ये आपका ऑक्सीकरण है, ठीक है, ये आपका ऑक्सीकरण है, ये आपका ऑक्सीकरण हो रहा है और ये आपका अपचयन हो रहा है, ठीक ना। ये जो पूरी अभिक्रिया है ना, इस पूरी को मिला करके देखिए, यहाँ पर ये ऑक्सीकरण वाला स्टेप है और ये अपचयन वाला स्टेप है ना, मैंने ऐसे बना दिया। देखिए ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है और ये रिडक्शन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, अपचयन वाला स्टेप है। अगर दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही होती हैं तो उसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, जब दोनों किसी भी रिएक्शन में आप दोनों चीज़ों को देखते हैं, दोनों ही बातों को अगर आप एनालाइज करते हैं तो आप उसे रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्सीकरण एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना, और रिडॉक्स अभिक्रिया भी जान गए होंगे। तो मैं अपचयन की भी बात कर लेता हूँ, मैं आपको अपचयन भी बता देता हूँ क्या होता है। चलिए जस्ट इसका अपोजिट करना चालू करते हैं, है ना। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ, मतलब निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का निकलना कहिए या ह्रास कहिए, ठीक है ना, जुड़ना, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया अपचयन। क्या हो गया अब मैं आपको अपचयन की डिफिनेशन लिखे जा रहा हूँ, है ना, दूसरा अपचयन। चलिए, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना आपका अपचयन कहलाता है। विद्युत ऋणी तत्वों का क्या करना, निकल जाना, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। निकल क्यों रहा है, देखिए ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है, अगर वो निकला तो अब इसके अलावा कोई और भी विद्युत ऋणी होगा तो उसका भी निकल जाना क्या कहलाएगा, अपचयन ही कहलाएगा, आप समझ पा रहे हैं ना। या विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, अब हाइड्रोजन का जुड़ना ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन क्या है, विद्युत धनी तत्व है। अब विद्युत धनी तत्व अगर जुड़ गया, हाइड्रोजन के अलावा कोई विद्युत धनी तत्व कहीं से जाके जुड़ गया तो वो भी तो आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। अब समझ पा रहे हैं, है ना। अब देखिए, किसी परमाणु या आयन द्वारा, किसी मैंने कुछ विद्युत ऋणी तत्व का निकलना, हाँ सही है, हाँ, किसी परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था ना, और अब क्या करेगा, अब तो ग्रहण करेगा, तो चलिए हम इसको ग्रहण करा देते हैं, है ना। तो किसी परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना था, अब क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब जब ग्रहण करेगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण थोड़ी कहलाएगा, अब वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन या अपचयन कहलाएगा, या अपचयन कहलाएगा। सबको बात क्लियर है, है ना, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। अभी मैंने आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया बताई थी ना, दरअसल आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन को रिवर्सिबल भी कर सकते हैं, है ना, ये बात आपको शायद पता होगी। कहते हैं ना, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, बर्न करने से पहले उसको अच्छी तरीके से रगड़ा क्यों जाता है, है ना, ऐसा कुछ सुना होगा आपने क्वेश्चन। हाँ, मेरी आवाज़ देखिए रानी क्लियर है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे अच्छी तरह से क्यों घिसा जाता है, तो उसका आंसर ये निकल के आता है कि मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, तो उसको घिस करके ताकि वो बर्न करे, इसलिए उसे साफ़ किया जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बना है ना, तो जब उसे साफ़ करेंगे तो अलग भी तो हो जाएगा, तो जस्ट इसका रिवर्सिबल, और सभी रिएक्शन का रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, ज़रूरी नहीं कि सबका हो जाए, है ना। तो जिसका हो जाए तो मैं उससे समझा देता हूँ, मेरे लिए इजी वे में रहेगा ना, तो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे दूंगा, आपको भी समझना आसान होगा। देखिए, वहाँ पर जब रिएक्शन हुई थी तो ये हुआ था, और यहाँ पर जब रिएक्शन हुई तो ये हो रहा है। वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, इससे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, आपको समझ में आ गया, ये अपचयन है। या मेरे पास और भी एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड है, इससे आप निकाल दीजिए तो ये कॉपर हुआ और ये ऑक्सीजन निकल गया, ये भी आपका क्या है, ये आपका अपचयन अभिक्रिया है, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपचयन समझ में आ गया हो, क्योंकि ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले ऑक्सीकरण ही आपको समझा दिया, ताकि आप उसका अपोजिट करते जाएं और अपचयन को समझते जाएं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है।
तो ये हुआ आपका अपचयन का फर्स्ट जो मैंने डिफिनेशन बताई उसका एग्जांपल, ठीक है ना। अब हम विद्युत ऋणी तत्व के निकलने या विद्युत धनी तत्व के जुड़ने की बात भी कर सकते हैं, हाँ, कि उसका जो एग्जांपल से समझा सकते हैं अपचयन को, है ना। ध्यान दीजिए, चलिए कोई एग्जांपल ब्रोकर है, हाँ, तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना। पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल जो है आपका ये देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, आप H2 से अभिक्रिया कराया आपने, और यहाँ पर कॉपर मिला और आपका H2O बाहर हो गया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका है अपचयन का दूसरा एग्जांपल। पहला मैंने MgO वाला बताया था, मैंने उसे रिमूव कर दिया। ध्यान दीजिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था और आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, है ना। ये सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, दोनों में ही देखिए क्या हुआ, MgO को तो हाँ ये जस्ट ऐसे ही रिमूव कर दिया गया, ऑक्सीजन को ये ऐसे ही रिमूव हो गया, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ने इससे क्या किया, अभिक्रिया किया, और यहाँ पर कॉपर आपको मिला और ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना ही तो क्या है, अपचयन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ ना और अपचयन हुआ, ठीक है ना, बात समझ में आ रही मेरी। तो देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, यहाँ पर इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। और यहाँ पर एक और चीज़ आता है, मैं दूसरा वाला अगर आपको समझाना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा, ये तो सिर्फ ऑक्सीजन का रिमूव हुआ, ये तो समझ गए, जो मैंने दूसरी बात लिखी उसको भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर H2 क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर जा करके इससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन इससे जुड़ रहा है कहिए, या ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके जुड़ रहा है, सारी डिफिनेशन जा रही है अपचयन की तरफ। इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, मैंने बताया था ना कि जब दो चीज़ें हो रही होती है तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते थे, यहाँ दोनों चीज़ें हो रही हैं, पर इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके, इंटरमिक्सिंग करके नहीं लेते हैं ना, पता चला दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ मिला दिया तो फिर मतलब एक अजीब सा स्वाद आएगा उसका ना, सबको एक अलग अलग करके लेंगे तो सारा चीज़ का टेस्ट मिलेगा, सबका टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक ना। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और हमने आपको बताया है ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। यहाँ से ऑक्सीजन निकला, इसका अपचयन हो गया। एक और बात हमने जस्ट आगे बताई है, वो ये है कि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। तो हाइड्रोजन आप कह सकते हैं या जोड़ रहे हैं अपचयन हो रहा है, या ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं अपचयन हो रहा है, दोनों ही बातों में आपका ऑक्सीकरण अपचयन की डिफिनेशन क्लियर हो रही है। अब मैंने कहा था कि विद्युत ऋणी तत्व का निकलना या विद्युत धनी तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो एक एग्जांपल आपको मैंने HF का दिया था जहाँ पर वो हो रहा था अपचयन, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऑक्सीकरण वाला दिया था तो मैं आपको एक अपचयन वाला दिखाता हूँ, विद्युत ऋणी तत्व का निकल जाना। देखिए, ये है 2HF और जस्ट इसका H2 और F2 कर दीजिए, यहाँ से देखिए विद्युत ऋणी तत्व क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो इसका क्या हुआ, अपचयन हो रहा है। वहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा था तो उसका क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। कहेंगे यहाँ तो विद्युत धनी तत्व भी जुड़ रहा है, सवाल उठता है ना, लेकिन मेरी बात सुनिए, एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, इस पर ये जुड़ रहा है ना, इस पर ये जुड़ रहा है और इसका जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ और इस पर ये जुड़ रहा है तो इसका अपचयन हुआ, आप इस तरह से ले सकते हैं इसे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोनों बातें आपसे पूछी जा सकती है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है कि यहाँ पर बताइए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, समझ में आ रहा है मेरी बात,
है ना। तो आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के समझ सकते हैं। पर मैं वहाँ पर ऑक्सीकरण समझा रहा था जस्ट इसके पहले स्टार्ट में, इसलिए मैंने वहाँ पर अपचयन की बात बिल्कुल नहीं की थी। अब अपचयन पर आ गए हैं तो हम थोड़ा सा उसको भी लेकर के चलते हैं और ऑक्सीकरण अपचयन को कोरिलेट करके या है ना उनके बीच डिफरेंस बता करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। ये रहा आपका अपचयन का एग्जाम्पल। और फिर क्या आपको ये भी बताने की ज़रूरत है किसी परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण व्रहण है ना ग्रहण लगने वाला नहीं है ना, लेने देने वाला। तो ये वाला मैंने आपको जस्ट बिफोर एग्जाम्पल जो दिया था मैं उससे ही आपको समझा सकता हूँ कि जैसे ये आयरन है, आयरन का 3+ था, इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ पर क्या बन गया, Fe2+। ये क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, HgCl2, ये मरकरी है ना, SnCl2, ये आपका क्या स्टेनस क्लोराइड है ना, और यहाँ पर क्या हुआ Hg2Cl2 क्या हो गया है ना, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड था, ये मर्क्यूरस क्लोराइड हो गया, Hg2Cl2 बना और ये स्टेनिक क्लोराइड हो गया। क्यों बच्चों, ये आपका स्टेनिक क्लोराइड हो गया, ये आपका स्टेनिक क्लोराइड हो गया ये, और यहाँ पर देखिए आपका अपचयन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है इसको ज़रा निकाल करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको जैसे भी समझाया है इसको ज़रा सा समझिएगा, इसकी अर्ध इलेक्ट्रॉन अब क्या लिखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ। क्या कर पाएंगे आप लोग, मुझे पक्का यकीन है आप लोग कर लेंगे, सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो आज हमारी यहाँ तक की बात ख़त्म हुई कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। अब एक और बात बचती है आपको बताने के लिए, ऑक्सीकारक और अपचायक, वो क्या है मैं वो आपको समझा देता हूँ, फिर आपकी बातें ख़त्म यहीं से। जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ, बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है, एकदम सिंपल सी बात है और ख़त्म यहाँ से आपका ऑक्सीकरण और अपचयन। देखिए ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकरण कराने वाला, और अपचायक कौन है, अपचयन कराने वाला, बहुत सिंपल सी बात है। ऑक्सीकारक कौन है, जो ऑक्सीकरण कराता है, और अपचायक कौन है, जो अपचयन कराता है। यहाँ तक बात क्लियर है, हमने आपको बताया था रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, हाँ हमने आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताया था। तो उससे एक और बात आती है निकल करके कि जब भी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, एक ऑक्सीकरण हो रहा होता है, एक अपचयन हो रहा होता है। बहुत ही गौर से सुनिएगा इस बात को, एक ऑक्सीकरण हो रहा होता है, एक अपचयन। तो होता क्या है, ये वाला ऑक्सीकरण मान लो करा रहा है, ये वाले का मैं इसको लिख करके बताता हूँ, ये ए है, ये बी है, बस यहीं तक, मान लीजिए सी है और ये डी बना है, अब ऐसे ही लिख देता हूँ। ये वाला मान लो इसका ऑक्सीकरण करा रहा है तो ये ऑक्सीकारक हो गया, सही है ना, और ये वाला इसका अपचयन करा रहा है तो ये अपचायक हो गया। बहुत ही गौर से समझिएगा यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये ऑक्सीकारक हो गया क्योंकि ऑक्सीकरण करा रहा है और ये अपचायक हो गया क्योंकि ये अपचयन करा रहा है। उपचयन भी आप इसको याद कर सकते हैं ना, उपचायक, जैसे उपचयन कराता है तो इसे उपचायक भी कहते हैं, ठीक है ना, जैसे ऑक्सीकरण कराता है तो ऑक्सीकारक कहते हैं, समझिए। ये इसका अपचयन करा रहा है ना, और ये इसका ऑक्सीकरण करा रहा है। एक और यहाँ से बात निकल के आती है बच्चों कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है ना, समझिएगा, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है वो अपचायक होता है। इसका क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीकरण इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि ये इसका ऑक्सीकरण करा रहा है, तो ऑक्सीकरण इसका हो रहा है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि ये अपचायक है, क्यों, क्योंकि ये इसका अपचयन करा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा घुमाऊ फिराऊ है ना तो समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप इसको ज़रा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि जो ऑक्सीकरण कराता है, उसका स्वयं अपचयन होता है, इसको ऐसे समझिए।
जो ऑक्सीकरण कराता है उसका स्वयं अपचयन होता है, और जो अपचयन कराता है ना उसका स्वयं ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि एक ऑक्सीकरण कराएगा तो दूसरा उसका अपचयन करा देगा, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीकरण कराने वाला है उसका नाम तो ऑक्सीकारक है, लेकिन स्वयं उसका क्या होगा, अपचयन होगा। और जो अपचयन कराने वाला है उसको हम अपचायक कहते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन में क्या होगा, उसका रिएक्शन में अपचयन होगा। समझ में आ गया ना। जो अपचायक है उसका, देखिए जो अपचायक उसका ऑक्सीकरण होगा, जो अपचायक है उसका ऑक्सीकरण होगा, और जो ऑक्सीकारक है उसका अपचयन होगा। यहाँ तक समझ में आया? इसको बहुत लंबा मतलब बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए समझाया क्योंकि कई बार घुमाकर ही पूछता है, इसलिए मुझे घुमाकर आपको समझाना पड़ रहा है ना। या मैं आपको सिंपल वे में ऐसे ही समझाता हूँ, आप सिंपली ट्रिक यही याद कर लीजिए कि जो जैसे कि पोस्टमैन है ना, जो टिकट कंडक्टर जो होता है, टिकट को जो काटता है वो टिकट कंडक्टर कहलाता है ना, वो टिकट थोड़ी कहलाता है, जो टिकट काटने वाला है वो टिकट कंडक्टर कहलाएगा, टिकट नहीं कहलाएगा। तो जो ऑक्सीकरण करा रहा है तो ऑक्सीकरण नहीं कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। जो उसको काम को करने वाला होता है वो उस काम का करता, मतलब समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, ये ऑक्सीकरण करा रहा है तो ये ऑक्सीकारक कहलाएगा, भले इसका अपचयन हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से सिंपल बात निकल के यही आती है कि जो ऑक्सीकरण कराएगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा, जो अपचयन कराएगा वो अपचायक कहलाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, है ना। और बस ये कुछ ही दो लेक्चर या एक दो लेक्चर बचे हैं और आपके चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी, फिर हम सेकेंड चैप्टर के स्टार्ट करेंगे, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हम आपको नई नई वीडियो जो भी हम यहाँ पर अपलोड करते रहे आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।